हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अभिकेश शर्मा, टेक इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉर्न वेबसाइट्स के बारे में और टोरेंट की वेबसाइट्स के बारे में। क्या ये इंडिया में यूज़ करना लीगल है? बिल्कुल लीगल नहीं है। और हमारी प्राइवेसी लीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपको पता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन या आपकी हिस्ट्री वगैरह जितने भी इंटरनेट की होती है वो सभी देख सकता है। तो आप इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक यूज़फुल टिप्स बताऊंगा जिनसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। हम बात करते हैं इन पर एडवर्टाइजमेंट्स की। आपने देखा होगा जिनसे पॉर्न वेबसाइट्स होती है मोस्टली वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट का भरमार लगी पड़ी होती है। आपको पता है कभी कभी एक क्लिक करते हैं उस पर 10 पेज ऑटोमेटिकली न्यू पेज ओपन हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। और उसके बाद क्या होता है, एक ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली क्रोम के अंदर। ऑटोमेटिकली एक एक्सटेंशन ऐड हो जाता है, वो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। उससे आपके क्रोम की जितने भी डिटेल्स वगैरह इंटरनेट हिस्ट्री है वो एक हैकर के पास जा सकती है और इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं आपको टिप्स बताऊँगा आपको कैसे बचना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास यहाँ पर एक टी मैक करके एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम बोलते हैं मैक एड्रेस चेंजर। ये हमारे मैक एड्रेस को चेंज कर देता है। तो हमारा मैक एड्रेस सबसे सेव कहाँ पर होता है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर जाते हैं डिटेल्स में, तो मेरा आप ओरिजिनल मैक एड्रेस देख सकते हैं 001EA668FTET। अब हम पहले मैक एड्रेस को चेंज करेंगे अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखने के लिए। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी पहले यहाँ पे अपना एरिया कनेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है तो मैंने वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे रैंडमली आप मैक एड्रेस जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज नाउ पे क्लिक करिए। ये हमारा मैक एड्रेस चेंज हो रहा है। मैक एड्रेस वॉज चेंज सक्सेसफुली। तो हमारा मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, मैं हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार डिटेल्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। अब बात आती है आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। तो आईपी एड्रेस तो आप सभी को पता ही है, आप वीपीएन यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आपको क्रोम स्टोर पर मिल जाएगा कोई वीपीएन। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ हॉटस्पॉट शील्ड वीपीएन, इसे ऑन कर देते हैं। मैं यहाँ पर कोई पॉर्न वेबसाइट वगैरह ओपन करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वेबसाइट जो सी ब्लॉक वेबसाइट थी ओपन हो चुकी है। ऐसे कई ब्लॉक वेबसाइट हैं जो इंडिया में नहीं चलती बिल्कुल भी, तो वो भी आप ऐसे में आसानी से चला सकते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रख के। और यहाँ पे आप एड ब्लॉकर प्लस यूज़ कर सकते हैं। और मैं एंटीवायरस जो सा यूज़ करता हूँ, मैं अवस्थ फ्री एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ। जो ज़्यादातर जो सी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं उसमें मलिशियस स्क्रिप्ट्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में रन हो जाती हैं। तो ये एंटीवायरस कहीं ना कहीं उनको आने से रोकता है आपके कंप्यूटर में। तो आपको ये चीज़ें थी जो यूज़ करनी है, एक मैक एड्रेस चेंजर और एक वीपीएन, बस ये दो चीज़ें ही थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर लिखे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।